नमस्कार। देश की सबसे बड़ी पंचायत में लोकहित से जुड़ी चर्चा के कार्यक्रम संसद संवाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति सिंह। संसद के बजट सत्र में रेल मंत्रालय के कार्यकरण पर राज्यसभा में महत्वपूर्ण चर्चा हुई। इस चर्चा में सभी राजनीतिक दलों के सदस्यों ने हिस्सा लिया और कई अहम सुझाव दिए। आइए देखते हैं संसद संवाद में इस अहम चर्चा का सारांश। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने ये बजट पढ़ा, मैं रेलवे बोर्ड से लेता हूँ। रेलवे बोर्ड का भी आप लोग उसके साथ कहीं ना कहीं मिनिमाइज करने का काम चल रहा है। मैंने ये देखा है कि आपका जो पॉलिसी है, पॉलिसी मैंने देखा, रिसेंट पॉलिसी अपडेट, उसमें आपने बताया है इन डिसेंबर 2019 द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड रिकग्नाइजेशन ऑफ द रेलवे बोर्ड ऑन फंक्शनल लाइन्स। द बोर्ड विल हैव ए चेयरमैन हु विल एक्ट द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यानी रेलवे बोर्ड का जो चेयरमैन है CRB है, उसका भी नाम बदल के उसको भी हटाने की कोशिश यहाँ पर हो रही है। ये भी एक प्राइवेटाइजेशन का ही एक चक्कर लगता है। इट विल हैव ए 4 मेंबर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेशंस एंड बिजनेस डेवलपमेंट, 3 रोलिंग स्टॉक एंड 4 फाइनेंस। द बोर्ड विल ऑल्सो हैव ए फ्यू इंडिपेंडेंट मेंबर्स इन ए एडवाइजरी रोल। उसका मतलब क्या हुआ, रेलवे बोर्ड के अंदर हमारा जो 12-15 मेंबर्स अभी भी बैठते हैं और पूरा देश का रेल का कार्यभार संभालता है, और उसके अंदर भी कटौती करने का कोई विचार चल रहा है, ये मेरे को एक संदेह खड़ा कर रहा है। रेलवे बोर्ड के साथ साथ जो जोनल में GM और डिवीजन में DRM काम करते हैं, उसका पावर भी कट करने का कहीं सोच रहा है। इसलिए मैं बताता हूँ, इसमें आपने बताया है तो काम जितना भी उसको GM को पावर दिया था, डिवीजन को पावर दिया था, DRM को, जितने भी प्रोजेक्ट यहाँ से रेलवे बोर्ड से सैंक्शन होके वहाँ जाता है, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, इम्प्लीमेंटिंग ऑफिसर तो वही है जोनल में और डिवीजन में, तो उसका पावर कट हो जाएगा, तो इन लोगों को यहाँ पर फिर बोर्ड में आना पड़ेगा, बोर्ड से वो प्रपोजल वापस सैंक्शन होके जाएगी, तो उसमें टाइम भी ज़्यादा जाएगा और प्रोजेक्ट डिले होने की संभावना है। उसके साथ साथ रेलवे के अंदर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स, मैं आपको बताना चाहूँ, कम से कम 20-25 साल से जो काम चल रहा है वो काम अभी तक चालू है। अभी तक जो पिछली 6-7 गवर्नमेंट ने शायद ये प्रोजेक्ट सैंक्शन किया था, उसको कोई प्रायोरिटी नहीं मिल रहा है, और आज आप बोल रहे हैं कि हम लोग उसको जल्दी खत्म करेंगे। कैसे जल्दी खत्म होगा, कम से कम 1,50,000 करोड़ रुपयों का ऑनगोइंग प्रोजेक्ट का खर्चा चल रहा है, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट का खर्चा। और आपने एक पहले उसमें लिखा, इसलिए मैं पढ़ रहा था, कि 1 करोड़ रुपया दिया है, तो 1 करोड़ रुपये नेक्स्ट 5 साल तक कैसे चलेगा, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा। जितनी भी रेलवे लाइन अनाउंस, नई रेलवे लाइन अनाउंसमेंट किया है, उसका आगे कोई DPR कोई काम आगे नहीं बढ़ रहा है। उसके साथ साथ रेलवे सेफ्टी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रेलवे डिपार्टमेंट में, और उसके साथ मैं ये जोड़ना चाहूँगा कि जितनी भी ओपन LC लेवल क्रॉसिंग है, तो उसके ऊपर रोड ओवर ब्रिज, रोड अंडर ब्रिज बनाने का तुम्हारा आपका जो टारगेट था रेलवे बोर्ड का, वो टारगेट के हिसाब से चल रहा नहीं है, तो ये काम कब तक ख़त्म करेंगे, क्योंकि उसकी वजह से गाड़ियां बहुत डिले होती है, एक्सीडेंट होता है, मानव संपदा के नुकसान होता है, एनिमल्स कट जाता है, और सबसे ज़्यादा जितना भी आपकी सबर्बन रेलवे है, बेंगलोर है, मद्रास है, बॉम्बे है, कलकत्ता है, सबर्बन एरिया में सबसे ज़्यादा मुनाफा भी रेलवे को मिलता है, लेकिन उसकी सेफ्टी के लिए रेलवे बोर्ड की तरफ से
ज़्यादा कोई उपाय नहीं किया गया है। उसके साथ टोटल 5628 रेलवे स्टेशन है और उसके अंदर वाईफाई सिस्टम जो लगाई है वो खाली 522 स्टेशन में है। इतना बड़ा देश के अंदर इतने बड़े बड़े ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास कैटेगरी के जो स्टेशन है, तो इस स्टेशनों के ऊपर देखभाल के लिए और उसके लिए ये वाईफाई की सिस्टम लगाई नहीं गई है और स्टेशन का पूरा एरिया कोई चोरी लूट फाट, अपनी आरपीएफ डिफेंस वो सर्विस दे रही है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लोगों का पर्स कट जाता है, लोगों का माल सामान की चोरी हो जाती है। तो ये सिस्टम सीसीटीवी कैमरा और वाईफाई की सिस्टम ये भी लगाना चाहिए। आपने बताया कि तेजस ट्रेन चल रही है और नहीं चलाएंगे तेजस जैसी, और 150 ट्रेन आप लोग प्राइवेट पीपीपी मॉडल पे दे दिया है, तो मैं समझता हूँ ये कहीं ना कहीं पूरा निजीकरण की तरफ ये डाइवर्जन आप लोगों ने कर ही दिया है, क्योंकि पिछले बजट में भी यही बात किया था, अब की बार भी ये आ रहा है। तो मेरे को लगता है कि ये रेलवे का खानगीकरण बहुत तेज़ी से, रेल तेज़ी से नहीं दौड़ेगी, खानगीकरण तेज़ी से दौड़ रहा है, ऐसा मेरी समझ में आ रहा है। थैंक यू वाइस चेयरमैन सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग फोर्थ आवर लॉन्ग पेंडिंग डिमांड्स फॉर द सैंक्शनिंग, क्विक सैंक्शनिंग ऑफ वेरियस प्रोजेक्ट्स एंड फॉर द स्पीडी कंप्लीशन ऑफ ongoing projects in Tamil Nadu. First of all, I wholeheartedly thank the Honorable Prime Minister of India for announcing the change of name of the station Central, Chennai Central. It was renamed, the Tamil Nadu government has renamed Chennai Central Railway Station as Purachi Thalaivar Dr. M.G. Ramachandran Central Railway Station. So this was only due to the clearance given by the Railway Board under the instructions of our Honorable Prime Minister of India. Now the ongoing three track doubling works in southern districts of Tamil Nadu have received rupees 485 crore in the union interim budget for the year 2019-20. 2018-19, these doubling works were allotted only 250 crores. Similarly, the long pending Madurai Bodinayakanur and Pattukottai Karaikudi gauge conversion works each received only 100 crore. However, rupees 3,615 crore worth projects which were targeted for completion before 2020 have received a total of rupees 735 crores, which accounts to only 20% of the project cost. According to the Railway Pink Book submitted before Parliament on Friday, for a 160 kilometer long Madurai Vanjimaniachi Thoothukudi line, railways have sanctioned rupees 169 crore, while the project cost is rupees 1182.23 crores. Last year, only 75 crores was allotted to this project. Similarly, another 102 kilometer doubling project of Vanjimaniachi Tirunelveli Nagarkoil section, which was estimated to cost rupees 1003 crore, has been sanctioned only 183 crores, as against the previous allocation of only 75 crores. So the another 86.55 kilometer Kanyakumari Nagarkoil Thiruvananthapuram line, which is estimated to cost rupees 1431 crores, has received only 133 crores. Last year the allocation was only 110 crore. Tamil Nadu witnesses the highest interstate migration for education, for health, for all the other, for
employment, everything. There is frequent rail passengers from southern Tamil Nadu are pinning their hopes on the speedy completion of the doubling projects. Only if the doubling projects are completed, we can have more trains to the southbound, very, very economically viable as well as highly profitable section of the Chennai and Kanyakumari, and which would connect the region with other parts of Tamil Nadu and the country. It would also pave the way for accelerated social and economic development in Madurai, Virudhunagar, Thoothukudi, Tirunelveli and Kanyakumari district. Sri Vishambar Prasad Nishad. Manwar, पहले जब रेलवे बजट होता था पूरे देश की निगाहें रहती थी। 1 फरवरी 2017 से जब संयुक्त बजट चालू हो गया तब किसी को पता नहीं चलता है। पहले पूरे माननीय सभी सांसदों से सुझाव मांगे जाते थे कि अपने अपने क्षेत्र के क्या सुझाव हैं, माननीय रेल मंत्री को सुझाव देते थे और सुझाव देने के बाद कुछ न कुछ उनके इलाके में रेलवे की सुविधाएं, रेलगाड़ी बढ़ना, स्टॉपेज और नई रेलवे लाइन, तमाम चीज होती थी। लेकिन आम बजट में मर्ज होने से ये सारी सुविधाएं खत्म हो गई। मनोहर, अब इधर देखने मिल रहा है कि रेलवे विभाग पूरी तरह से पीपी मॉडल के माध्यम से प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहा है। जब निजीकरण हो जाएगा मनोहर, इसमें सबसे बड़ी परेशानी देश के लिए यह है कि आपके पास निजी रेल नहीं होगी। एयर इंडिया आपका बिक गया, बिक ही रहा है, बोली लगी हुई है, ना आपके पास हवाई जहाज होगा तो आप क्या होगा आपके पास। आज जिस तरह से तेजस ट्रेन जो प्राइवेट चलाई गई वो 1 साल में 100 करोड़ से ज़्यादा प्रॉफिट पाई, और इतना नहीं, उसको VIP सुविधा दी जा रही है। जैसे प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं या राष्ट्रपति जाते हैं तो उनके लिए प्रोटोकॉल होता है, रास्ता बंद कर दिया जाता है। तो जब तेजस ट्रेन चलती है तो आम आदमी की यात्री रेल ट्रेन जो है बंद करके उसको आगे पास कर दिया जाता है। तो आम जनता, पूरे देश की आम जनता में हताशा और निराशा हो रही है कि ये क्या हो रहा है। ये वैसे तो VIP लोग ज़्यादा से ज़्यादा हवाई जहाज से चल रहे हैं, लेकिन अधिक किराया जो हमारी ट्रेनें चल रही हैं, शताब्दी चल रही हैं और ट्रेनें चल रही हैं, उनसे प्रीमियम किराया किस तरह से बढ़ा करके ये तेजस ट्रेन वगैरह में लिया जा रहा है। बता रहे हैं जितनी हमारी पैसेंजर ट्रेनें, सबसे ज़्यादा पैसेंजर ट्रेनों में हमारा ग्रामीण देश का आदमी यात्रा करता है, वो सारी की सारी प्राइवेट होने जा रही हैं। निजीकरण से मानवर रेलवे जो है देश का सबसे बड़ा विभाग है जो रोजगार जनरेट करता था और लोगों को आशाएं रहती थी कि हम रेलवे में जो कर्मचारी हैं उनके बच्चे रेलवे में जाते थे, जो बच्चे पढ़ रहे हैं रेलवे की फॉर्म भरते थे नौकरी। प्राइवेट हो जाने से तो दोहरा नुकसान होगा, एक तरफ जो हमारे OBC के लोग हैं या CST के लोग हैं उनका सारा आरक्षण खत्म हो जाएगा। वैसे भी क्रिमिनल लगा करके उनको 27% का आरक्षण भी OBC वालों को नहीं मिल पा रहा, अब प्राइवेटाइजेशन हो जाने की वजह से ये भी सुविधा समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा मानवर हम अपने इलाके की मांग कुछ बता रहे हैं। मानवर हमारे बुंदेलखंड में ये रिवांचल एक्सप्रेस है, मानवर यहाँ से दिल्ली से इलाहाबाद जाती है, रीवा जाती है, सीधे चली जाती है, बुंदेलखंड के लिए इधर कोई ट्रेन नहीं। तो हमारी मांग थी कि ये रिवांचल एक्सप्रेस जो है ये कानपुर से चित्रकूट होकर चलाई जाए। थैंक यू सर। So CAG of India came out with a report on railway finances. It said that the railway's operating ratio was the worst in last 10 years. Yes. 2017-18 at 98.44%, which basically means that they are spending 98 rupees to earn 100 rupees. And this has been the position of railways since 2012-13 onwards. If you see, it has always hovered around or above 90. So basically, the health of railways, irrespective of which particular party or which particular railway minister was in charge, has not been very good. It has always faced the problem of declining revenues, internal resources, because the
freight contribution has decreased, the passenger fares also have decreased, and the borrowings have increased. There is no money to replace lines. There is no money to replace assets which have been depreciated. The calculations itself, as the CAG has commented severely over the period of time, that everything, many of the figures are contrived. Now, I am not really coming here, sir, to speak about many of the things which honorable members have already spoken, but I could say that one of the important things that the railways could do to improve this operating ratio is to disengage or outsource non-core or peripheral activities, like they run hospitals, they run schools, number of things. They could probably subsidize it, but let the market take care of it. They could monetize the land assets and development infrastructure around the railway stations. They have started now, not very kind of encouraging, in the sense only 4 railway stations have got PPP projects for railway station redevelopment, whereas there is an aspiration to develop 100 of them in the next year, which looks very far-fetched. What they need to do, of course, is to have more number of dedicated freight corridors and make it competitive with other modes of transport, because other modes of transport have become very encouraging. Then increase the basket of goods that could move around in freight. Many of these suggestions, sir, has already been given by numerous committees that have been set up from time to time, looking at various aspects of railways. But what has probably remained on paper, all those recommendations probably have remained on paper, and what has not happened is implementation of those recommendations, and those recommendations have been implemented only in a piecemeal manner. The result is that the operating ratios have continued to remain quite poor, and the improvement in the railways in terms of depreciated assets to be replaced has not happened. For example, if we have to only do doubling of railway lines, of the existing railway lines, it will take about 40 to 50 years. So using a framework which our Honorable CM, we use it in Orissa for improving our governance, which is technology, transparency, teamwork, time, I would say that technology, the railways have much to do, because they haven't done anything for improving using technology to improve safety, to improve running of trains on time. Transparency, a lot to do. Teamwork, they work still in silos. Time, huge number of projects are delayed for about more than 20 years, and all the changes that is happening is not transformational, but pure or mostly incremental. Finally, I would request that, considering the fact that the state government has opened its arm in terms of partnering with the Indian Railways, in terms of land, in terms of cost of the project, I would request that the pending projects should be completed in a time-bound manner, and the railway density, particularly in the areas affected by Naxalite and aspirational districts, 10 out of 30 are aspirational districts, should be completed as quickly as possible. Thank you so much, sir. संसद संवाद में रेल मंत्रालय के कार्यकरण पर राज्यसभा में अहम चर्चा अभी जारी है. बने रहिए हमारे साथ, हम लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद. I am standing here to compliment Honorable Railway Minister, Honorable Prime Minister, under the leadership of Narendra Modi ji. Now, northeastern region connectivity, railway connectivity, enter northeastern region. Northeastern region is a constituent of Assam, Meghalaya, Mizoram, Arunachal Pradesh, Tripura. This government has decided to connect it, railway connectivity, all the capital of the northeastern region. संसद के बजट सत्र में रेल मंत्रालय के कार्यकरण पर राज्यसभा में अहम चर्चा हुई. इस चर्चा में सभी राजनीतिक दलों के सदस्यों ने रेलवे के विकास को लेकर अपनी जिज्ञासाएं रखी और रचनात्मक सुझाव दिए. वहीं सरकार ने रेलवे के विकास को लेकर किए जा रहे प्रयासों को रेखांकित किया. आइए देखते हैं संसद संवाद में इस अहम चर्चा का सारांश. Separate budget, that is
started in Britishers' time in 1924, sir. From that time to 2017, it is a common budget, separate budget for the railways. But it is a surprise to everybody. Government of India taken a decision to merge the budget with the regular budget. But what is the improvement from the last 4 years? That should be, assessment should be given by the railway department, sir. Now railways going down. Occupancy rate is down. Your performance is very lower. That should be, self-introspection should be done by the railways department, sir. Now, the government is estimating almost 100 lakh crores by 2030. But what is the capital expenditure what they are putting in the out? That is 1.5 to 1.6 lakh crores only. That is very nominal. How can we reach by 2030? Only answer they are having, only PPP mode. That is the only answer we are getting from the government side. Kisan Rail, PPP mode. Refrigerated Rail, PPP mode. Tejas, PPP mode. Another 150 trains, PPP mode. Railway stations, PPP mode. Everything PPP mode. Last time, when we are hearing to the law of the mineral law amendment, very Niti Aayog director, somebody has commented that it is the end of nationalization. We don't know exactly railway also going to be make end of government sector, whether it is going into the private sector, that should be clarified by the Honorable Minister, sir. Sir, particularly in the state of Telangana, sir, in there is, except the trunk route connectivity, Secunderabad, Kajipet, Ballarsha, Khammam, Warangal, none of the railway routes in Telangana are double line, sir. The passenger trains running in Telangana region are taking 3 to 4 hours for a stretch of 100 kilometers. Sir, the other passenger trains between Karimnagar and Nizamabad is distance of 142 kilometers, taking 5 hours, which shows poor performance of the not only railways, but the violent negligence of the railway administration also, sir. There is so many demands, sir. In the AP Reorganization Act, they have assured for the coach factory at Telangana, that is, we preferred at Kajipet. As on today, after lapse of 6 years also, they are not talking about the coach factory. Whether it is the government will take up or it will be PPP mode, I request the government to immediately initiate this one. Sir, 1998 में माननीय रेल मंत्री जी को मैं याद कराना चाहूंगा कि एक कमेटी आई थी. उस कमेटी ने कहा था कि रेलवे सीम्स टू हैव अ स्प्लिट पर्सनैलिटी. सो नंबर वन, इट डील्स निगोशिएट्स बिटवीन सोशल ऑब्लिगेशन एज वेल एज रिवेन्यू जनरेशन. सो I wish to draw some important points to the notice of Honorable Railway Minister. Sir, maintenance work of crores of regular civil engineering works are not getting audited. They are spent at whims and fancies without proper checks and balances. Huge surge has been there in last 3-4 years, sir, in the name of cleanliness. Aur sir, yun hai ki Gandhi ji ke chashme को पहनना तो लोगों ने गवारा नहीं किया, लेकिन गांधी जी को चश्मे में महदूद करके स्वच्छ भारत अभियान के नाम पर देयर हैज बीन अ फिनोमिनल इंक्रीज. आई थिंक इट इज 1000 टाइम्स इंक्रीज इन टर्म्स ऑफ ऑन बोर्ड हाउसिंग स्टाफ. हाउएवर दैट हैज नॉट इन फैक्ट डिमिनिश द नंबर ऑफ कंप्लेंट्स. सो दैट शोज दैट समवेयर देयर इज अ लूप होल, देयर समवेयर देयर इज अ लीकेज. And leakage of crores of rupees, that has to be addressed immediately, sir. Sir, contractors' dues are not getting released, citing unavailability of funds during February and March, and precisely we are in the month of March. Large amount of pending dues of private parties are written off during every year. Non-traceability of private parties leading to huge loss to exchequer. Sir, railway is in a financial mess, even Honorable Minister, sir, would agree. There are three kind of cost. One is staff cost.
second is fuel cost, third is fixed asset cost or asset maintenance, what you say, and rolling stock cost. So fuel cost, I have raised this in this parliament, 100% electrification and making it a top priority smacks of certain decisions which are not in the public domain, certain forces which are not in the public domain. Then is the question of rolling cost. The plan is to give more and more trains to IRCTC, and IRCTC is a kind of corridor through which privatization of railways is taking place, and trains are being given to private parties. So the merger of services, I have raised this again earlier, and I'm saying this, government must clarify why IRMS is being brought when all committees except Prakash Tandon committee had recommended against it. Even De Bruy committee had recommended that merging of all services in single services is not practical and feasible. So performance in freight transportation is dismal. Kisan Rail, how are you going to decide about the routes? You are again going to PPP model. So I don't know, one day probably the government shall be run in the PPP model. Or ant mein, railway ko aise bhi dekhiye ki national integration hai sir. ये एक प्रॉफिट मेकिंग एंटरप्राइज नहीं है सर। मैं बताना चाहूंगा कि जो आज रेलवे के अंदर कर्मचारियों की संख्या कम होती चली जा रही है और आरक्षित पद भी बहुत कम होते चले जा रहे हैं, पूर्व में क्योंकि ये प्राइवेटकरण की वजह से हो रहा है, निजीकरण की वजह से हो रहा है, पूर्व में रेलवे विभाग में 22.5 लाख रेलवे कर्मचारी थे, आज घटकर 13.5 लाख रेलवे कर्मचारी रह गए हैं। आज रेलवे में कोई नई भर्ती नहीं हो रही, 2.8 लाख खाली रिक्त पद पड़े हुए हैं, उनको भरा नहीं जा रहा है, और जब उनको नहीं भरा जा रहा है तो मेरा निवेदन है कि जैसे आपने 150 तेजस ट्रेनों को चलाने का निर्णय लिया है पीपी मॉडल के हिसाब से, और 17 रेलवे विभागों को निजीकरण में आपने दे दिया है, तो निजीकरण में जाने से एससी एसटी का रिजर्वेशन समाप्त हो गया रेलवे विभाग में। एक तरफ तो आप सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की बात करते हैं, और एक तरफ इस देश के अनुसूचित जाति जनजाति के को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं क्योंकि उनके सरकारी जो नौकरी है उनको समाप्त कर रहे हैं रेल से। तो मेरा निवेदन है कि आप रेलवे विभाग में सरकारी कर्मचारियों का एस सी एस टी का कोटा पूरा करो। सर, आई एम कमिंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ आवर कंट्री। आई एम स्टैंडिंग हियर to compliment Honorable Railway Minister, Honorable Prime Minister, under the leadership of Narendra Modi ji. Now Northeastern region connectivity, railway connectivity enter Northeastern region. Northeastern region is a constituent of Assam, Meghalaya, Mizoram, Arunachal Pradesh, Tripura, sir. This government has decided to connect it, railway connectivity, all the capital of the Northeastern region. And accordingly, there is a railway connectivity. Now we have entered Northeastern region, sir. So I like to request, Honorable Minister, there is a 7 state, and 7 state have now railway connectivity. I'd like to request Honorable Minister kindly have a separate railway zone in Guwahati for the Northeastern region, sir. This is the long-standing demand of people of Northeastern region, sir. Sir, Northeastern region, although railway connectivity is there, sir, still today we are deprived most of the part of the Northeastern region from the double track rail line. We are deprived from, sir, electrification. I like to request to government, especially railway minister,
look after the issue. And there is a electrification and double track line between Bangaigaon to Guwahati. I like to request there should be double track line to Guwahati to Dibrugarh, Badar Lamding to Badarpur, Rangapara to Mukekshalangshar. रेल मंत्रालय के कार्यकरण पर चर्चा में सदस्यों ने मंत्रालय से जुड़े कई अहम मुद्दे उठाए तो कुछ सांसदों ने अपने अपने राज्यों में रेलवे के विकास संबंधी मांगे भी सामने रखी। वहीं सरकार ने रेलवे के विकास को लेकर अपने लक्ष्य और उपलब्धियों से सदन को अवगत कराया। संसद संवाद के अगले अंक में हम हाजिर होंगे अन्य सदस्यों की राय और रेल मंत्री के जवाब के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। We always talk of railways and the expansion of railways, the network, the upgradation, but there is always the ever prevailing problem that money is not there. And railways spend far too much money on the overall establishment rather than having any money left. In fact, there is no money for upgradation or expansion of the railway network. And with this in mind, I'm sure the railway minister, with new ideas, with new approach, we will have to find and raise resources for the railways.